मन पसंद रचना किसी भी पुराण से जानकार लोग यहाँ विराजमान है। राम सत्ता में कथा का बड़ा महत्व होता है। कथा भी ऐसी जो राम सत्ता के माध्यम से बहुत कम सुनने को मिले। हमेशा गिलहरी को मारने पर ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है, लेकिन क्यों लगता है? ये वरदान गिलहरी को किसने दिया? आज भी गिलहरी की पीठ पर उंगलियों के निशान मौजूद है। तो बात एक समय की, लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना सेतु निर्माण करती है। नन्ही सी जान गिलहरी मन में यह विचार करती है कि मेरे प्रभु के पैर कितने कोमल है, कोई कंकर पत्थर उनके पैर में ना चुभ जाए। तो वो नन्ही सी जान गिलहरी समुद्र के पानी में अपने शरीर को भिगा के रेत में लोट मार के और उस पुल पे आके झड़ा के जाती थी। आज महाराज सुग्रीव प्रभु राम को ये बताते हैं कि प्रभु एक नन्ही सी जान गिलहरी कार्य में बाधा पैदा कर रही है, किसी वानर के पैर में आ जाएगी तो मारी जाएगी। लेकिन एक बात, ये बात भावना की है। भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है। वो भावना में अगर भाव नहीं तो ये भावना बेकार है। प्रभु राम को दूर से ही बताते हैं कि वो देखो प्रभु ये गिलहरी कार में कैसे बाधा पैदा कर रही है। कहा प्रभु ये बदन पे, हेलो ये बदन पे वो रेत लपेट हुए। अरे देखो गिलहरी चली आ रही है। तो आज गिलहरी कहती है प्रभु से हाथ जोड़कर, अरे प्रभु के काम आऊं सफल हो जाऊं, प्रभु के काम आऊं सफल हो जाऊं, प्रभु के काम आऊं चली आ रही है।
प्रभु के काम आओ सब उठा नहीं पाई।
मैं पत्थर उठा नहीं पाई, इसलिए प्रभु क्या मैं रेता ले आए, मैं पत्थर प्रभु ने और अपनी ओ